हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ मैं, जो कि है एक लेंस के लिए। निकोन ने AFP का नया लेंस लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है AFP निकोर 10 20 mm f/4.5 5.6 GVR। ये DX कैटेगरी का लेंस है, और जो बिगिनर बिल्कुल वाइड एंगल जो फोटोग्राफी के ज़्यादा शौकीन है, जिनको वाइड एरिया काफ़ी अच्छा चाहिए, रूम वगैरह में इंडोर फोटोग्राफी के ज़्यादा शौकीन है, या आउटडोर में भी पूरा वाइड एंगल ज़्यादा कवर करना चाहते हो, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो इस सुहानी शाम में काफ़ी अच्छी बरसात हो रही है, आप लाइव देख सकते हैं बाहर, और इस सुहानी शाम में हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपको फर्स्ट लुक भी दिखाऊंगा 10 चॉइस का मैं, और एक काफ़ी अच्छा वीडियो आज हम शूट करने वाले हैं 10-24 से, वो भी आपको लाइव इसके रिव्यू वगैरह मैं दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये नया वीडियो। तो ये है दोस्तों हमारा जो नया मॉडल है 10 से 20 mm, जो पहले आता था 10-24, जो DX के लिए आता था वो काफ़ी कॉस्टली लेंस आता था दोस्तों। उसकी जो प्राइस थी वो लगभग 60,000 के आसपास आफ्टर डिस्काउंट आपको मिल रहा था, लेकिन निकोन ने बिगिनर्स के लिए देखते हुए एक नया लेंस निकाला है, जो है 10-24 AFP लेंस। ये आपके सामने है ये लेंस काफ़ी, तो इसके स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख लीजिए, निकोन लेंस DX के लिए है, ये फुल फ्रेम के लिए नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। अगर आप निकोन की 3000 सीरीज़, 5000 सीरीज़, 7000 सीरीज़ तक यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा लेंस है और बहुत अच्छा वाइड एंगल है। और हाँ, इसकी सबसे पहले लोग पूछते हैं प्राइस, तो प्राइस भी बता देता हूँ, आप खुश हो जाएंगे इसकी प्राइस देख के, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो मात्र 23,950 रुपये MRP है। चलो, इसमें दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको लाइव भी बता देता हूँ, 23,950 MRP है इसकी, और ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 21,000 तक ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। वैसे ऑनलाइन अभी तक शायद नहीं आया होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं, खोल के मैं आपको इसको लाइव दिखा देता हूँ। तो ये मैं इस बॉक्स को खोल रहा हूँ, आज मैंने ट्राइपॉड वगैरह पे नहीं लगाया कैमरा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे को, एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। तो ये है इसका वारंटी कार्ड, और ये इसकी मैनुअल गाइड आती है, प्लस ये कैमरे का पाउच है जिसमें, सॉरी, लेंस का पाउच है जिसमें आप 10-24 mm लेंस रख सकते हैं, देख रहे हैं। और इसके अलावा इसमें एक हुड आता है, ये आपके हुड है 10-24 का, और लास्ट में हमारा लेंस। अब लेंस दिखाने के लिए तो मेरे को आपको कैमरे को रखना पड़ेगा, चलिए मैं थोड़ा रख देता हूँ कैमरे को। तो दोस्तों, ये वो लेंस है जिनका बिगिनर्स को शायद बेसब्री से इंतज़ार था कि वो भी काफ़ी अच्छी वाइल्ड इमेज कैप्चर कर सकें, थोड़ा बजट रेंज में आ जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वाइड एंगल जो लेंसेस होते हैं वो 50,000 से ऊपर के ही आते हैं, और निकोन ने निकाला है 10-24, बहुत अच्छा वाइड है, फिशाई नहीं है, ये वाइड एंगल ही है और काफ़ी अच्छा लेंस है AFP सीरीज़ का। हाँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत की बात ये है कि जो निकोन के पुराने कैमरे हैं, जैसे D7000 हुआ, D7100 हुआ, D40 हुआ, D90 हुआ, मतलब जो 2000 मान लीजिए 12 से पहले आते थे, उनमें ये फुली कंपेटेबल नहीं होगा। थोड़ी सी आपको VR की प्रॉब्लम आ सकती है, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस की प्रॉब्लम आ सकती है, और कुछ कैमरों में नहीं लगेगा। हाँ, जिन्होंने 2012 के बाद में या X-Speed 4 इमेज प्रोसेसर और X-Speed 5 इमेज प्रोसेसर के जो DX कैमरा यूज़र हैं, उनके लिए ये फुली कंपेटेबल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये है इसका, इसमें जो आपके फ़िल्टर साइज़ दी गई है वो 72 mm का है, जो इसका फ़िल्टर लगेगा वो 72 mm का लगेगा, और ये DX निकोन 10-24 mm VR लेंस है, और काफ़ी अच्छा लेंस है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी दी गई है, परफॉर्मेंस भी। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि एक वीडियो बना के भी दिखाऊँ, तो अब मैं बहुत जल्दी इसका वीडियो भी बनाने वाला हूँ, इसी वीडियो में, लास्ट में आप एंड में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को यहीं मत काटिएगा, मैं इसका डायरेक्ट आपको लाइव परफॉर्मेंस भी दिखाने वाला हूँ।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है तो जल्दी से ख़रीद लीजिए लेंस, वरना आजकल कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है, कभी सस्ता कभी महंगा कुछ भी कर सकती है। और ये तो पहले सस्ता है तो इसको महंगा ना कर दें, क्योंकि GST की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी की तो यही प्राइस है, 21,000 में आपको मिल जाएगा। बात का मैं कुछ आपको कह नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। आप मेरा इसका लाइव वीडियो ज़रूर देखिए और धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जिसमें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो 1024 का परफॉर्मेंस है वो। इसमें मैंने शटर स्पीड रखी है 100 और अपर्चर मेरा रहेगा 5.6 और ISO है 400 पे, जिसमें मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी आप देख रहे हैं ये मेरा 18mm पे वाइड एंगल है, जो कि नॉर्मल जो स्टैंडर्ड लेंस आते हैं वो बिगिनर्स के हिसाब से, एंट्री लेवल के हिसाब से। और मैंने जो लेंस यूज़ किया है ये है 10-24, जो बिगिनर है एंट्री लेवल है उनके लिए काफ़ी अच्छा लेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस रेंज दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वाइड एंगल लेंस, वो भी इतना वाइड 10-20 वाइड एंगल जो लेंस है वो आपको इतनी कम प्राइस में मिल रहा है। जस्ट आपको 24,000 इसकी प्राइस है, 23,950, और आपको आफ्टर डिस्काउंट लगभग 20,500-21,000 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी वाइड है। अब ये देखिए, ये मैं 18mm पे शूट कर रहा हूँ जिसमें हमारी पूरी शॉप दिखाई दे रही है। अब मैं इसको धीरे धीरे 10 पे ले जाता हूँ, देखिए आप लाइव। तो ये देखिए दोस्तों कितना वाइड है और फोकस भी काफ़ी फास्ट है। AFP पल्स स्टेपिंग मोटर के साथ में है ये, तो इसका फोकस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं मैं लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ, फोकस इसका, फोकस कितना जल्दी करता है कैमरा, आप एक क्लिक से दूसरे क्लिक के पे देख सकते हैं कि कितना फास्ट फोकस है। और बाहर बहुत तेज बरसात आ रही है, चलिए बरसात भी आप देख लीजिए, सावन का महीना है तो बरसात भी आप देख सकते हैं। और ये फुली वाइड एंगल व्यू रोड का, MI रोड जयपुर। यहाँ पे कंटिन्यू बरसात हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो आपने नए 10-24 का परफॉर्मेंस देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा जो YouTube चैनल DSLR 14 World, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।